प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में प्राथमिक विद्यालयों में 71वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तिरंगा झंडा फहराया गया। इस दौरान स्कूलों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों को पेन कॉपी किताबें पेंसिल सहित अन्य सामान वितरित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर SP लहरी सहित कई बड़े समाज सेवी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। अच्छा, आज ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है किसकी तरफ से किया जा रहा है, कौन सा विद्यालय है ये कार्यक्रम? संस्था शहीद अब्दुल हमीद मेमोरियल पब्लिक स्कूल की तरफ से किया जा रहा है 26 जनवरी के मौके पर। अच्छा, 26 जनवरी के मौके पर शहर की जनता के किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं शहर की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज के दिन 26 जनवरी को हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हुआ था। तो जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी को हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हुआ, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है, क्योंकि हम गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले। इस दिन को हर देशवासी को, देश के हर नागरिक को, और मैं अपने खासकर अपने शहर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, और इतनी धूमधाम से मनाना चाहिए कि बाहर में विदेशों में बैठे लोग भी ये देख सकें कि भारत एक प्रभुत्वशाली देश है, और ये संसार का एकमात्र ऐसा देश है कि इसके ऐसा देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ड्राइविंग स्कूल बजरंग नगर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2000 ओवर का प्रोग्राम करा गया है। इसमें शहर के वरिष्ठ और गणमान्य लोग शामिल हैं। मेरे पिताजी हैं डॉक्टर रामगोपाल जी, इनके द्वारा झंडे का मनोज संतवार पार्षद। अच्छा, गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर की जनता के लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज राम शांति ड्राइविंग विद्यालय पर ये कार्यक्रम रखा गया है। गणतंत्र दिवस के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए शहर की जनता से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और एक और निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा देश आज के दिन गणतंत्र हुआ था और आज इसके पावन पर्व पर एक संकल्प लें पूरे फिरोजाबाद वासी कि इस फिरोजाबाद को स्वच्छ बनाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश देना चाहेंगे, और 26 जनवरी है, इस दिन को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में फांसी के फंदे चूमे और देश के लिए कुर्बानी दी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी, और तमाम ऐसे लोग हैं, सबसे बड़ी कुर्बानी जलियों वाले बाग से भी बड़ी कुर्बानी जो है केरल के मकीला मुसलमानों ने दी थी। वहाँ 2500 लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था अंग्रेजों ने, और बड़ी कुर्बानी थी। 26 जनवरी कब मनाई जाती है, किस तरीके से मनाई जाती है? आज के दिन पूरी तरह भारत आज़ाद हुआ था, अंग्रेज लोग जो है देश को छोड़ कर भी 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है। आज 26 जनवरी के पावन पर्व पर हमारे विद्यालय के प्रबंधक साहब, उनके द्वारा 2000 ओवर किया गया। अतिथियों में हमारे श्रीमान गौतम जी और थाना रसूलपुर के SO साहब और पार्षद विनोद शर्मा जी, भरतो राठौर जी मौजूद रहे। छात्रों ने खूब बढ़ चढ़ के कार्यक्रम को भाग लिया। मैं 26 जनवरी के पावन पर्व पर समाज में ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने भारतवर्ष के लिए शिक्षा में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक व्यवस्थाओं में हमें अपने भारत देश के बच्चों को और नागरिकता को पूरा सजो के और एकजुट रखना चाहिए। और भारत में ये संदेश देना चाहता हूँ मैं कि हम सब भारत देश के नागरिक हैं, हमें अपने भारत माता को हमेशा विजयी बनाना। आखिर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारे देश के वीर जवानों ने इस देश के आज़ादी कराने के लिए जो बलिदान दिया है, उसमें हम इनकी आज़ादी को ध्यान में रखते हुए ये 26 जनवरी के पावन पर्व को बनाते हैं, और यही हमारे लिए एक संदेश जाता है बच्चों में कि हम इसको अपने भारत देश को आज़ादी की ओर इस अग्रसर को बढ़ाते रहें। क्या नाम है आपका जी? आज देश की जनता के लिए किस तरीके का वो देना चाहते हैं संदेश? आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस है, इसमें सभी वर्ग सभी समुदाय के लोग मिलकर मनाते हैं। इसमें आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था,
बहुत ही हर्षोल्लास से हम इस पर्व को मनाते हैं, अपने अमर शहीदों को याद करते हैं। जय हिंद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।